जनमल में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव व सांसद सुदर्शन ने आश्रम विद्यालय परिपाट में बनने वाले ऑडिटोरियम भवन का किया शिलान्यास। किसको प्रखंड क्षेत्र के जनमल स्थित परिपाट आश्रम विद्यालय में भवन प्रमंडल विभाग की ओर से करीब 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव एवं सांसद सुदर्शन भगत के द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया गया। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत परंपरागत तरीके से बुके देकर किया गया। मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में ऑडिटोरियम का होना अपने आप में गौरव की बात है, जिससे शिक्षा कला संस्कृति को बढ़ावा के साथ बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है एवं स्कूल में बुनियादी शिक्षा और सामान्य शिक्षा को विशिष्ट महत्व देने की बात कही। उन्होंने विद्यालय के बच्चों को संविधान की जानकारी दी, साथ ही शिक्षकों को बच्चों को संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं जनरल नॉलेज की जानकारी देने का निर्देश दिया। साथ ही पढ़ाई में बच्चों को अर्थ के साथ समझाने को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रत्येक बच्चे के लिए मासिक 25,000 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसका हिसाब किताब शिक्षक रखें और बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण पोषाहार दें। वहीं सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि सभी छात्र आवासीय आश्रम विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक की पढ़ाई कर रहे हैं। आश्रम विद्यालय में सुदूर क्षेत्र के गरीब आदिवासी का पठन पाठन होता है। ऑडिटोरियम का शिलान्यास होने से बच्चों के भविष्य बेहतर हो सकेंगे, जिसमें शिक्षा के साथ सर्वांगीण विकास के लिए कार्यक्रम का आयोजन हो सकेगा, जिसमें 250 बच्चों को बैठने की व्यवस्था होगी। विभिन्न प्रकार के कला संस्कृति एवं अन्य गतिविधियां ऑडिटोरियम में संचालित होगी, जो एक वर्ष में पूर्ण होगी। मौके पर सांसद प्रतिनिधि अशोक यादव, विधायक प्रतिनिधि निशीत जायसवाल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष शकील अहमद, भाजपा जिलाध्यक्ष मनीर राव, परवीन सिंह, राजकुमार वर्मा, राजमोहन राम, मुकेश साहू, कांग्रेस महिला अध्यक्ष सीमा परवीन, युवा जिलाध्यक्ष विशाल डुंगडुंग, प्रखंड जिला महासचिव श्यामल अंसारी, अध्यक्ष यूनुस अंसारी, रौनक इकबाल, जयवंत कुजूर, नसीम अंसारी, कबीर अंसारी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।